वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हाउस प्लान रहेगा वो लो बजट हाउस प्लान रहेगा, जिसका विवरण कुछ इस प्रकार से जो आपको आगे वीडियो में समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करने से पहले एक मेरा छोटा सा ब्लॉग वीडियो बनाया हूँ, जिसमें मैं अपना विद्यार्थी जीवन से ब्लॉग संबंधित बनाता हूँ, तो आप कृपया वहाँ पास जाइए और उसे भी सपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए इस हाउस प्लान को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस हाउस प्लान का जो मेजरमेंट दिया हुआ है 30 फीट बाई 40 फीट। ओके, 30 फीट बाई 40 फीट इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर फीट कितना दिया हुआ है, 1200 स्क्वायर फीट। ओके, इसका स्क्वायर फीट 1200 दिया हुआ है, ऐसे करके इसको बनाया गया है। तो देखिए, अब चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पास, ये रोड साइड है। ओके, इधर ये रोड साइड है, ऐसे करके मतलब इधर आपका रोड रहेगा जो फ्रंट साइड है। ओके, फ्रंट साइड आप कोई भी दिशा में अपना घर बना सकते हैं, या साउथ वेस्ट या नॉर्थ, कहीं भी दिशा में आप अपना घर बना सकते हैं। ये दिख रहा है, ये आपका स्टेयर रहेगा, स्टेयर्स। ओके, जो सिंपल्स फुट स्टेप के लिए रहेगा। ओके, यहाँ पास आपका लैंडिंग रहेगा। ओके, और ये रहेगा आपका मेन गेट। ओके, एंट्री गेट रहेगा, और ये आपको वुडन का गेट लगाना है, जिसका साइज रखना है आपको 3 फीट 6 इंच। ओके, ऐसे करके आपको इसका साइज रख लेना है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पास आपको साइड में क्या मिलेंगे, ड्राइंग रूम। ओके, ड्राइंग रूम है, इधर साइड में आपको ड्राइंग रूम दिया गया है, और ये प्लस इधर साइड में आपका यहाँ पास डाल देते हैं डिनिंग। ओके, यहाँ पास आपको साइड में डिनिंग, जहाँ पास डाइनिंग टेबल रहेगा, ये दोनों मिलकर रहेगा ये हॉल। ओके, ये हॉल रहेगा, जिसका साइज बता देता हूँ मैं, इसका साइज 22 फीट 0 इंच। ओके, मतलब यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक का, और ये वाला साइज यहाँ पास डालते हैं ऐसे करके 10 फीट 8 इंच। ओके, ऐसे करके आपको साइज दिया हुआ है। ओके, तो ये पेन चल नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, यहाँ से दूसरा पेन रख लेता हूँ मैं। ओके, ये दूसरा पेन, ये ऐसे करके दिया हुआ है। तो देखिए कैसे हैं यहाँ पर जो साइड में दिख रहा है, इसके बारे में पहले बता देता हूँ। आप चाहो तो इसे पूजा रूम भी बना सकते हैं, पूजा, या तो आप इसे स्टोर रूम भी बना सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पास आप डोर लगाइए, या तो यहाँ पास आर्च लगाइए। ओके, पूजा रूम बनाएंगे तो आर्च और डोर लगाना है, तो स्टोर रूम के लिए। ओके, इसका साइज बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक रहेगा 6 फीट 6 इंच। ओके, और ये साइज आपको पता ही है 10 फीट 8 इंच। ओके, ऐसे 10 फीट 8 इंच। यहाँ पास आप आर्च लगाइए, आर्च बेटर लगेगा, जो मैं और आगे आपको पूरा बता दे रहा हूँ। सर्कल आर्च लगा दीजिए यहाँ पास, और ये रहेगा आपका मॉडर्न किचन। ओके, किचन, किचन साइज एक नंबर ब्यूटीफुल है, बढ़िया साइज में दिया हुआ है। यहाँ पास ऐसे करिए, किचन है जिसका साइज दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का आप साइज रख लीजिए 10 फीट। ओके, और ये साइज रख लीजिए आप, कितने रखना है, 8 फीट रख लीजिए। ओके, ऐसे करके आपको साइज रखना है, और यहाँ पास आप आ जाएंगे, डोर एक प्रोवाइड करना है, और ये रहेगा आपका मास्टर बेड रूम। ओके, ये मास्टर बेडरूम रहेगा, जिसका साइज एक अलग प्रकार से ही दिया हुआ है, ये 11 फीट 0 इंच। ओके, ऐसे करके साइज, और इसका साइज 12 फीट 0 इंच। ओके, ऐसे करके इसका साइज दिया हुआ है, ये मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम क्यों, क्योंकि इसमें एक यहाँ पास टॉयलेट दिया हुआ है अटैच, ये टॉयलेट प्लस बाथ दोनों एक साथ इसमें दिया हुआ है। ओके, इसका साइज आपको पता है 11 फीट 0 इंच। ओके, और ये साइज रहेगा आपका 6 फीट। ओके, ऐसे करके आपको साइज रख लेना है कुछ इस प्रकार से। अगर देखिए, अगर आप, मैं एक और बताऊंगा लास्ट में, आप बने रहिए, वेंटिलेशन के लिए कैसे प्रदान करना है। मान लीजिए दो कंडीशन आएगा, तो उस यहाँ पास क्या दिया हुआ, ये आपका डायरेक्शन, ये है स्टेयर्स, एक प्यारा सा स्टेयर जो सर्कल साइज में ऐसे करके रखना है आपको। ओके, इसका साइज रख लेना है, यहाँ से यहाँ तक का साइज रहेगा 10 फीट। ओके, और ये वाला साइज रहेगा आपका 8 फीट। ओके, ऐसे करके आपको कुछ रख लेना, ये आपकी डायरेक्शन है।
ये जो आप दिख रहा है ये रहेगा आपका पैसेज एरिया। ओके, पैसेज एरिया बना लेना है इसको, जहाँ ये पैसेज एरिया रहेगा जिसका साइज आपको क्या रखना है, यहाँ से यहाँ तक का रहेगा 6 फीट 6 इंच। ओके, और यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक का जो साइज रहेगा 11 फीट 6 इंच। ओके, ऐसे करके आपको रखना है। देखिए आगे और एक बेहद ज़रूरी बात है, क्या है, यहाँ पास आपको बेडरूम रखना है। ओके, और इसका साइज रहेगा सिंपल 10 फीट 0 इंच। ओके, और ये वाला भी साइज रहेगा आपका 10 फीट 0 इंच। ओके, ऐसे करके 10 फीट बाई 10 फीट का आपका एक बेडरूम दिया हुआ है। यहाँ पास क्या रहेगा, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पास रहेगा टॉयलेट प्लस बाथरूम। ओके, बाथ वगैरह नहाने के लिए ये रहेगा आपका 6 फीट 6 इंच इंटू 6 फीट 6 इंच। ओके, ऐसे करके इसका साइज दिया हुआ है, एक सिंपल साइज का आपको वो रख लेना है टॉयलेट। ओके, अब देखिए मैं जो मेन बात बताने वाला था, अंदर की जा रही बातें बता ली, यहाँ पास आपको विंडो रखना है। ओके, ये रहेगा आपका विंडो एरिया। ओके, ये बताता हूँ विंडो कैसे प्रोवाइड करना है, मतलब ये दोनों टॉयलेट का विंडो हो गया। देखिए अगर आपका सभी तरफ ज़मीन है तो अच्छी बात है, आप सभी तरफ विंडो दीजिए, वो बहुत अच्छी है। अगर आपका ज़मीन सभी तरफ नहीं, सिर्फ सामने की तरफ है, तो आप यहाँ पास एक और विंडो लगाइए, एक विंडो यहाँ पास अलग से हो गया, इधर का विंडो छोड़िए, और ये जो दिख रहे हैं बाथरूम, इसको बाथरूम को आप हाफ सर्कल करिए और इसको वेंटिलेशन के लिए यूज करिए, ये वाला जो पोर्शन आएगा उसको ये। ओके, ये हो गए, वेंटिलेशन सभी तरफ नहीं है तो ये विंडो का साइज़ बता देता हूँ मैं, जो विंडो का साइज़ रहेगा बेडरूम और किचन का 4 फीट। ओके, और जो रहेगा टॉयलेट का विंडो का साइज़ रहेगा 1.5 फीट। ओके, ऐसे करके देखिए अब डोर का साइज़ बता देता हूँ, ये जो बेडरूम का डोर रहेगा ये रखना है आपको 3 फीट का। ओके, जो आर्च रखना है आपको 4 फीट का। ओके, ऐसे करके यहाँ पास आर्च लगाना है 4 फीट। ओके, ऐसे करके दिया हुआ है। ओके, इसका साइज़ तो हमने डाल दीजिए, इधर का जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से पूरे यहाँ तक का 40 फीट 0 इंच, जो वहाँ पास ऊपर में बताया गया है। ओके, इधर का जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से पूरे यहाँ तक का 30 फीट 0 इंच। ओके, ये वाला भी हम लोग मेंशन कर दिए यहाँ पास। देखिए अब इसका क्या बताना है, जैसे इसमें वॉल का साइज़ क्या रखना है, 10 इंच आउटसाइड पार्टीशन वॉल। ओके, इनसाइड पार्टीशन वॉल आपको रखना है 5 इंच। ओके, जो कॉलम आपको ऐसे करके प्रोवाइड करना है यहाँ यहाँ पास, ये कॉलम एरिया रहेगा। ओके, कॉलम को थोड़ा फास्ट, ये इतना आपको कॉलम लगाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16, और 16 16 कॉलम लगेगा, बस कॉलम 16 कॉलम। ओके, 16 कॉलम आपको लगाना है यहाँ पास। देखिए अब इसमें कॉलम का साइज़ क्या रख लेना है, 10 इंच इंटू 10 इंच रखना है आपको कॉलम का साइज़। ओके, इसमें आपको कॉस्ट कितना आएगा, यहाँ पास कॉस्ट हम लगा देते हैं, इसका कॉस्ट आएगा अराउंड 14 लाख प्लस। ओके, 14 लाख से थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा आपका कॉस्ट। तो गाइस ये नक्शा कैसा है प्लीज़ नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे किसी और नए नक्शे के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, गुड बाय।